हमको नहीं आता था कोई काम जिद को, वही अब काराधारी बन गए हैं। नहीं आता था कोई काम जिनको, वही अब काराधारी बन गए हैं। गया है शेर जब से छुट्टियों पर, लगा बग्घे शिकारी बन गए हैं। और आखिरी दो मिसरे, पूरे जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी मोहब्बत इन दो मिसरों में सिमट कर आनी चाहिए कि हमको गीदड़ और घोड़ों का फर्क समझ में आता है। हमको गीदड़ और घोड़ों का फर्क समझ में आता है। शेर किसी भी नस्ल का हो, वो शेर ही कहलाता है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियों से आज के हमारे महबूब लीडर जनाब ये देखिए दोस्तों, चूंकि पूरे शहर में हम जितने भी लोग इस फैमिली शेख रशीद साहब फैमिली से, शेख रशीद साहब से मोहब्बत करते थे, तो उन तमाम लोगों के सरदार आली जनाब शेख रशीद साहब रहे जब तक वो हयात रहे। अब वो अल्लाह के जवारे रहमत में जा चुके हैं, तो अब पूरे शहर की जानिब से यहाँ कुछ लोग साफा पहनाएंगे सरदारी का अली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब को। हम शेख रशीद साहब का जानसी और अपने लोगों का सरदार मुंतखब करते हैं अली जनाब मोहतरम आसिफ शेख रशीद साहब को। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ शकील अली बेग साहब और ये शहर के जितने जिम्मेदार हैं, आप खड़े हो जाए, सब लोग खड़े हो जाएंगे। और मैं गुजारिश करता हूँ कि अब यहाँ से हम लोगों के सरदार, हम लोगों के गाइड, हम लोगों के लीडर अली जनाब गाइड नजर आओ आसिफ शेख रशीद साहब होंगे। तो मैं ओ भैया नीचे नीचे हाँ जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसी के साथ साथ जलील मैडम से गुजारिश करता हूँ, आप भी यहाँ पर आए। पार्टी की जानिब से, हमारे परिवार की जानिब से लिया जा रहा है। शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद ये पहला इंकलाबी जलसा हम लोग ले रहे हैं। और जब भी पार्टी का जलसा हुआ करता था तो शेख रशीद साहब बिल्कुल हमारे पीछे कुर्सी लगाकर बैठा किया करते थे और हमारी रहनुमाई किया करते थे। और अगर हमारे तकरीर के अंदर कोई गलत जुमला अगर निकल जाता था तो बाद में शेख रशीद साहब आवाम से माफी मांग लिया करते थे और उसको दुरुस्त करने का काम किया करते थे। लेकिन आज शेख रशीद साहब हमारे बीच में नहीं है। अब हम लोगों को फिक्र है कि कौन हमको रोकेगा, कौन हम पे कंट्रोल करेगा, कौन हमारी इस्लाह करेगा। आज मेरे चाचा जलील दादा भी यहां पर है, अकील चाचा भी है, मेरे परिवार के लोग भी है, ये जरूर हमारी रहनुमाई करेंगे, हमारी सरपरस्ती करेंगे। आज का जलसा लेने का मकसद या हम लोग जो ऐलान कर रहे हैं कि हम लोग सियासत के अंदर बरकरार रहेंगे, हम लोग इस शहर के अंदर सियासत करेंगे, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये 40 दिनों में जहां पर शेख रशीद साहब बैठा किया करते थे,
प्रभाग ऑफिस पर, वहां पर कई बुजुर्ग शेख रशीद साहब के साथ किसी ने लूट चलाया, किसी ने हमारी की, किसी ने मजदूरी की। शेख रशीद साहब का पुराना दोस्ताना है, ऐसे हजारों लोग आकर हम लोगों को हिम्मत देने का काम किए, हमारे सर के ऊपर हाथ रखने का काम किया और उन्होंने हिम्मत दी कि आप लोग आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इसके लिए आज का जलसा लेकर हम आज ऐलान जंग करने के लिए मैदान में उतरे। शेख रशीद साहब के एक विचार, एक सोच रही। 40 साल शेख रशीद साहब ने इस शहर के अंदर सियासत की, म्युनिसिपल काउंसिलर से लेकर एमएलए तक, मेयर तक शेख रशीद साहब ने शहर के अंदर नुमाइंदगी की, सियासत की। मैं समझता हूं कि निहाल अहमद साहब के बाद शेख रशीद साहब का नंबर लगता है, जो 40 साल इस शहर के अंदर शेख रशीद साहब ने सियासत की और कामयाब सियासत की। क्या मुझे शेख रशीद साहब ने कभी भी अपना माजी नहीं भूला, शेख रशीद साहब ने कभी भी अपने वो साथ में डूब चलाए हुए उनके साथियों को कभी नहीं भूला, शेख रशीद साहब ने कभी ये नहीं भूला कि मेरे साथ पावर लूम चलाया करते थे, कभी शेख रशीद साहब ने ये नहीं भूला कि मेरे साथ कभी हमाली किया करते थे, शेख रशीद साहब ने कभी ये नहीं भूला कि देहातों के अंदर जब शेख रशीद साहब चूड़ी बेचने जाया करते थे तो बेडशीट का और चादर का धंधा करने वाले शेख रशीद साहब के साथ फेरी पे जाया करते थे, कभी उनको नहीं भूला। इसके लिए 40 साल ये शहर के अंदर शेख रशीद साहब ने सियासत, गरीबों को कभी नहीं भूला, झोपड़पट्टी की आवाम को कभी नहीं भूला, हमेशा उनको साथ लेकर चलने का काम शेख रशीद साहब ने 40 बरस किया और शेख रशीद साहब इस दुनिया से चले गए। और ये मंच में बैठे हुए लोग, ऐसे कई हमारे साबिक कारपोरेटर आज बैठे, शेख रशीद साहब ने किसी को कारपोरेटर बनाने का काम किया, शेख रशीद साहब ने किसी को स्टैंडिंग चेयरमैन बनाने का काम किया, अनेक लोग हैं। शेख रशीद साहब ने अनेक लोगों के ऊपर कई लोगों को पहुंचाने का काम किया, अपने साना बसाना साथ लेकर चलते रहे और इसीलिए आज ये पूरा मंच इस बात की गवाही दे रहा है कि नहीं शेख रशीद साहब नहीं है तो भी हम आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ। जब शेख रशीद साहब अपनी जिंदगी में इन लोगों के साथ अगर गलत किया करते तो आज ये लोग बैठते नहीं बल्कि चले जाते थे कि अब शेख रशीद साहब गए आपको भी टाटा बाबा हमको कर देते थे, लेकिन आज क्यों बैठ गए? ये हिम्मत देने के लिए बैठे हैं, ये शहर के आवाम को ये मैसेज देने के लिए बैठे हैं कि हम शेख रशीद परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, ये मैसेज देने के लिए लोग बैठे हैं। शेख रशीद साहब की ठीक है इंतकाल के बाद कई लोग अलग अलग ओपिनियन पोल, अलग अलग तबसरा कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, कई लोग सोच रहे हैं कि रास्ता साफ हो गया, कई लोगों के मन के अंदर लड्डू भी फूटे होंगे और ये शहर के सामने धीरे धीरे बात सामने आ रही है। शेख आसिफ क्या
शेख रशीद परिवार क्या, जिस बाप ने 40 साल इस शहर के अंदर राज किया उस बाप की औलाद हम है, याद रखें। शेख रशीद साहब ने सब सिखा के गए, अच्छों के साथ कैसा पेश आना, बुरों के साथ कैसा पेश आना, सब तरबियत दे के गए शेख रशीद साहब ने। लेकिन शेख रशीद साहब की पूरी सियासी जिंदगी आप उठाकर देखिए, यहां पर बैठे हुए तमाम ही, चाहे वो गुरुवार वार्ड हो, रौनकाबाद का इलाका हो, शहीद अब्दुल हमीद रोड हो, कमालपुरा हो, रविवार वार्ड हो, देवी कमल्ला हो, नया इस्लामपुरा हो, पूरे शहर के लोग यहां पर बैठे हुए थे। शेख रशीद साहब ने कभी आपकी वोटों का सौदा नहीं किया, कभी भी आपकी वोटों को ले जाकर कहीं बेचा नहीं, और न तो हमारे मुखालिफ में जितने लीडरान है जो कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं, ओपिनियन पोल जारी कर रहे हैं, कभी शेख आसिफ हारा तो भरे गुलाल के अंदर खेलने वाले भी ये शहर में देखा है। अपनी कार्बोहाइड्रेट का सौदा, एमएलए में मदद करने के लिए आपके वोटों का सौदा, मेयर की कुर्सी भेज दी गई उसका सौदा किया गया, हर वक्त तुम्हारी वोटों का सौदा किया जाता, बहाव लगाया जाता, आपकी वोटों को बेच दिया जाता, आपको कभी खबर नहीं होती। लेकिन शेख रशीद साहब ने और शेख रशीद साहब के परिवार ने कभी भी आपकी वोटों का सौदा नहीं किया। आज मैं कसम खाकर बोलता हूं, आज आपसे वादा करता हूं कि शेख रशीद साहब ने आपकी कभी वोटों का सौदा नहीं किया, ये शेख आसिफ भी आपकी कभी वोटों का सौदा नहीं करेगा। के साथ राज्य सियासत की जाएगी, सर उठा के राजनीति की जाएगी, सर उठा के सियासत की जाएगी, शहर के अंदर सर झुका के कभी सियासत नहीं की जाएगी। सियासत के अंदर दो चीज होती है, या इलेक्शन हारा जाता है या इलेक्शन जीता जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और अल्लाह का करम है कि दो टाइम शेख रशीद साहब इस शहर के मेले बने, एक टाइम मैं मेले बना, दो टाइम शेख रशीद साहब मेयर बने, एक टाइम मैं मेयर बना, दो टाइम मेरी वालदा मेयर बनी। ये दूसरे कोई भी खानवेदे को ये एजाज नहीं हासिल है। और हारे भी फिर खड़े हुए और फिर लड़ेंगे, और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह फिर जीतेंगे, लेकिन आपकी वोटों का सौदा नहीं किया जाएगा। ये वादा आज मैं इस मंच से करता हूं, कभी आपकी वोटों का सौदा नहीं किया जाएगा, न शेख रशीद साहब ने किया और ना हम करने वाले। और अगर ये भी सोच रहे होंगे कि शेख रशीद के परिवार को दबा दिया जाएगा, दबा के राजनीति की जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। ना हम आपसे दबने वाले हैं, ना आपसे हम डरने वाले हैं, और ना हम कभी झुकने वाले हैं। और अल्लाह का करम है, शेख रशीद साहब ने भी सेंट्रल जेल देखा था, शेख खलील साहब ने भी सेंट्रल जेल देखा, शेख जलील साहब ने भी सेंट्रल जेल देखा, आज खालिद हाजी ने भी जेल देखा, और शेख आसिफ ने भी सेंट्रल जेल देख के आया है। इसके लिए हम डरने वाले नहीं, डरने वाले नहीं है। जरूरत पड़ेगी कि जेल जाना पड़े, उसके लिए
भी तैयार है, लेकिन आपके सामने झुकेंगे नहीं और ना डर के राजकारण कभी नहीं करेंगे। कभी आपके सामने झुकेंगे नहीं, कभी डरेंगे नहीं, कभी छुपेंगे नहीं। जरूरत पड़ी सेंट्रल जेल जाने के लिए पूरी तैयारी रहेगी, लेकिन डर का सियासत तो नहीं होगी। और नहीं तो शेख रशीद साहब ने हमेशा डेरिंग से सियासत की। अगर हम डर गए तो शेख रशीद साहब बोलेंगे मेरे जाने के बाद तुम डर गए, तो हम डरने वाले नहीं। ये जहन से तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए। ये हमारी अपनी पॉलिसी रहेगी। मैं पॉलिसी डिक्लेयर कर रहा हूं आज शहर के सामने, पॉलिसी डिक्लेयर कर रहा हूं। पॉलिसी आने वाला लायमन मैं बता रहा हूं, हमारे मुखालफिन को भी और शहर के आवाम को भी और आप लोगों को भी, कि ये आज की जो तकरीर होगी, आज की जो पॉलिसी हम डिक्लेयर कर रहे हैं, आज का जो लायमन हम डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी लायमन के ऊपर चलेंगे और उसी के ऊपर सियासत करेंगे। और शेख रशीद साहब ने जो हमको सिखाया कि गरीबों को साथ लेकर चलो और उनके सुख और दुख में शामिल हो, हम वही करेंगे जो शेख रशीद साहब ने हमको सिखा करके। ये हमारी अपनी पॉलिसी और ये हमारा लायमन होगा। और पुलिस डिपार्टमेंट भी जरा खुफिया विभाग थोड़ा सी एक्टिव कर दो। पुलिस डिपार्टमेंट खुफिया विभाग जरा एक्टिव कर दो। मैं कोई तंकीदार पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं कर रहा, पुलिस डिपार्टमेंट में मैं कोई तंकीदार नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल कोई भी तंकीद के मूड में आज नहीं हूं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारे मुखालफिन के ऊपर नजर रखे। दोस्तों और साथियों, ये बात मैं यही छोड़ रहा हूं, आगे डिपार्टमेंट से मिलकर मैं बात करूंगा। लेकिन ये मालेगांव शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है। मालेगांव शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है। ये खानकाहों का शहर है। यहां पर हिंदुस्तान की वो हर दीनी तंजीम की ऑफिसेस है, तंजीमें हैं, और उसमें अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि बहुत बड़ी तादाद उलमाओं की उसके अंदर तंजीम के अंदर ये शहर के अंदर काम करती है। मदारिस बहुत है यहां पर लड़कियों के, लड़कों के, अल्लाह का बहुत एहसान है हमको इस शहर के ऊपर फख्र है। यहां पर तालीमी अदारे भी बहुत है। यहां पर तालीमी अदारे भी बहुत है। और अल्लाह का करम है यहां का एक बच्चा आईएएस भी बना। हमारा नाम हमारे शहर का बहुत ऊंचा मुकाम है हिंदुस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर। और ये शहर के अंदर सियासत हारून अहमद अंसारी साहब ने भी ये शहर के अंदर आजादी के बाद सियासत की। ये शहर के अंदर निहाल अहमद साहब ने भी सबसे ज्यादा पीरियड, सबसे ज्यादा वक्त निहाल अहमद साहब ने सियासत की। शेख रशीद साहब ने भी शहर के अंदर सियासत की। आज मैं वो तमाम ही दीनी तंजीम, मेरी बात को माने या ना माने, एकदम साफ अल्फाज में, क्योंकि मुझे बहुत तजुर्बा कुछ लोगों का हुआ है और दिल भी दुखा। लेकिन आज जो मैं बोलना चाहता हूं, मतलब मेमोरी कार्ड या कोई माने ना माने मेरी बात को, अगर मेरे चाहने वाले मान लिए तो मेरे लिए प्रॉफिट है। चालू करके रखो,
मुझे बताओ आज ये शहर की हालत क्या है, ये शहर की सियासत किस तरफ जा रही है। मेरा सवाल है इस शहर के तमाम ही दीनी तंजीम के जिम्मेदारान से, तालीमी अदारों से, ये शहर के मोतबर लोगों से, तमाम ही बिरादरियों के तमाम ही सदर और अकीन से, और ये शहर की आवाम से मेरा सवाल है कि आज ये शहर की सियासत किस रास्ते के ऊपर जा रही है। आज मेरा आप लोगों से सवाल है, ये बहुत दिन बाद जलसा हो रहा है ना, बहुत दिन बाद मैं तकरीर कर रहा हूँ बड़े जुम्मन से। थोड़ी देर बोलेंगे, ये शहर की सियासत किस रूप के ऊपर जा रही है। ये शहर की सियासत फिरका परस्तों के गुलामी की तरफ, फिरका परस्तों के सामने झुक कर गुलामी की तरफ ये शहर की सियासत जा रही है। और अफसोस कि शहर का एमएलए एक आलिम दीन है और उसके बावजूद फिरका परिस्तों के सामने गुलामी की सियासत ये शहर के अंदर और यहाँ का मुसलमान में खुले गुलामी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। मैं इस मालेगांव तालुके के हिंदू भाइयों से मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरे जितना मैं मुसलमानों को मानता हूँ उतना मैं हिंदू भाइयों को भी मानता हूँ। लेकिन अगर कुछ सियासी लोग अगर हिंदू और मुसलमान लड़ाई की बात कर रहे हैं, या मुसलमानों को कुछ फिरका परस्त पार्टियों के लोग अगर दबाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आवाज को उठाएंगे। बता रहे मुझे चेंज करना कैमरा, कैमरा चेंज करना, स्टैंड में लगा देते, कैमरा चेंज कर, स्टैंड पे लगा देते। उधर आज के सदर के उस वक्त आगे बताओ सर, तो बोला बनने को क्या कर रहा है भाई, मैं बाहर लगा और लगा, मैं काही सांगणार नाही, मी काय म्हणतो माहिती काही काही सांगणार नाही, तुम्ही जलील साहब है एमआईएमके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी औरंगाबाद, शहर के एमएलए अंदर बैठे ठीक है क्या, हमारा उनके साथ कोई नहीं, यहाँ पर हुए हैं वो रेस्टोरेंट में, अभी हम सीखने जा रहे हैं ना वहाँ पे, आगे हमारी एक गाड़ी है तो आगे चली गई, एक गाड़ी आगे चली गई वहाँ पे आ गई, किसको और इनको इनके पास से वो टैक्सी में जा रहे हैं वहाँ पे आ रहे हैं, इनके पास गाड़ी नहीं है, टैक्सी में मुंबई में घूम रहे हैं आगे ये एमएलसी का चुनाव था, जब उद्धव ठाकरे की हुकूमत गिरी उसके दूसरे दिन, उसके पहले दिन जो एमएलसी का और राज्यसभा का चुनाव था उस वक्त की वोटिंग के बाद का ये बयान है। वोटिंग हो गई और क्या बताएंगे, किसको वोटिंग दिया हमने, ये तो सुनता रहता ना, वोटिंग का मतलब ही ये है कि किसको वोटिंग दी गई है उसको बताया नहीं जाता, वोटिंग का मतलब ये होता है इतनी एहतियात के साथ जो है वोटिंग की जाती है, अपने मौके का सवाल को समाधान दिया है, महाविकास आघाड़ी का समर्थन दिया है, उसको रिसीव करने के लिए सूचना बता दी, आप उससे क्यों क्या रखता कौन से बता दी, ये तो ऊपर वाला ऊपर वाले को रोल तो आपने किया है, बात रोल को बहुत लोगों ने किया है, जिसको राधा और मंदिर की अपने अपने माविका ठाकरे को समर्थन किया था, आप माविका ठाकरे को वोट किया है, हमारी पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है इंतजार जलील साहब ने कल रात में आप लोगों से बात कर ली है, उनसे बात नहीं है, विधायक
उन्होंने आपको बता दिया, उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीमध्ये गैरहजर राहणारे एमआयएमचे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आपल्या बरोबर आहेत, त्यांनी नुकतीच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आहे। शिंदे गटाचे आमदार ज्या ठिकाणी आहेत त्याच ठिकाणी हे आमदार आलेले होते। आपण निवडणुकीसाठी गैरहजर राहतात आणि इकडे शिंदे गटातील आमदारांची भेट घेत आहेत। मैं मालेगांव था और मुझे हज के लिए जाना है। हज के ताल्लुक से जो पेपर वर्क था उस ताल्लुक से मुझे हज हाउस में बुलाया गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि 10-15 मिनट का काम होगा, वो निपटा के मैं आ जाऊँ। मैं वहाँ गया तो जो लोग बुलाए थे वही लोग मौजूद हाजिर नहीं थे, तो मुझको आने में देर हुई, इसलिए मैं हाउस में तो नहीं था। मुझे हज पर जाना है, मैं कल भी नहीं रहूँगा, आज रात मेरे से जरी रवानगी। तो ये हुआ कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये दोनों दिन गैर हाजिर थे। सीएम साहब जो है कम से कम उनके कान पर बात आ जाए कि मैं नहीं हूँ, हज पे जा रहा हूँ इसलिए नहीं, और मुबारकबादी देने के लिए आया था, और मेरा कल गैर हाजिर रहूँगा मैं, तो वो मालूम रहना चाहिए। उद्याला बहुमत असले होना चाहो तो तुम्हें रहना नहीं है वहाँ पर। ये अभी उन्होंने क्या बोला कि मैं हज पे जा रहा हूँ, उस वक्त तो ये जानबूझकर मेरा मानना है ये लेट पहुंचे हज का बहाना बताकर असेंबली के अंदर हाजिर नहीं हुए और ये गैर हाजिर थे, हाउस में नहीं गए। बीजेपी और शिंदे हुकूमत के खिलाफ में इन्होंने वोट नहीं की, ये बाहर गए और उसके बाद ये एक होटल के अंदर जहां पर शिंदे साहब सीएम है उनके एमएलए के साथ जो शिवसेना के एमएलए लोग 22 होटल में रुके थे, ये वहां जाकर बोलते हैं कि मैं उनसे मुलाकात करने के लिए आया हूं। कहीं उनकी गलत समझ ना बन जाए, मुझे ये बताओ कि असदुद्दीन अवैसी तुम्हारा लीडर है या शिंदे साहब तुम्हारा लीडर है? उनकी गलत समझ क्यों बनेगी? तू इसका मतलब सेना और भाजपा के साथ मिली भगत तुम्हारी थी, ये बिल्कुल जाहिर होता है। आगे बताओ, ये हमारे पालक मंत्री है वो भी आए हुए थे, उनके सामने स्टेटमेंट हुए, उस अनुसार हम वहाँ पर गुनाह दाखिल करते हुए छावनी पुलिस स्टेशन एमएनसी कॉलेज के अंदर जो करियर गाइडेंस का प्रोग्राम था, करियर गाइडेंस का प्रोग्राम था, वहाँ पर कुछ मुस्लिम स्कॉलर एजुकेटेड लोग जो लेक्चर देने के लिए बीजेपी में आए थे उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगा था, हंगामा हुआ था, फिरका परस तंजीमों ने हंगामा किया था, उसके ऊपर जो पुलिस स्टेशन के अंदर गुनाह दाखिल करने का जो वक्त था, उस वक्त हमारे पालक मंत्री दादा भूसे साहब पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में बैठकर उनको हुक्म जो दे रहे थे वो बताना चाहता हूँ, बाद में मैं पूरी बात करूंगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैंप पुलिस स्टेशन में जबानी बदलने का काम चल रहा है, वो हमें पता चला, हम यहाँ पर आए और वो देखा तो हमें सब समझ में आया। यहाँ पर मंत्री साहब को बुलाया, सब वरिष्ठ आए और एसपी साहब आए, सब आए, उन्होंने फिर वो स्टेटमेंट, वो खुद बैठ कर उन्होंने स्टेटमेंट जबानी ली और सदर कार्यक्रमादरम्यान मुस्लिम धर्माबाबत अथवा मुस्लिम धर्माविषयी मन परिवर्तन करण्याबाबत कोणतेही भाषण आले नाही। यासाठी तुम्ही कशाचं कार्य आक्षात करायचं तरी प्रयत्न केला ना, तर माझ्याकडे माहिती आहे ज्यावर आचार्याने ज्या संस्थेने परवानगी दिली त्याला बाजूला करता तुम्हाला काही हिंदूंच्या स्तुती दिसल्या का तिकडे? साडेनऊ वाजेपर्यंत तुम्ही दळण दळून राहिले, 12 वाजेची घटना, रात्रीचे 9:30 झाले। एक मिनिट, मंत्री महोदय ये बोल रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को कि 12:30 की घटना दोपहर की, रात में 8:30 बज गए, अत्ता परंत तुम्हें एफआईआर का बन नहीं गया, क्यों तुमने गुनाह दाखिल नहीं किया? वो स्कॉलर लोगों के ऊपर यह आदेश दे रहे हैं। आगे
पुलिस को उसके बारे में बात बात करूँ आगे। ये हमारे शहर के भाई के एमएलए और मंत्री थे, दादा हुसैन साहब ने एक गाड़ी को सहयोग होटल के सामने रोका था जो उसके अंदर जानवर थे सब बोलते। देखो भाई लास्ट है नहीं, ठीक है ओके दोस्तों और साथियों, अभी और एक वीडियो रही मेरे को। दोस्तों और साथियों, मैं इसके लिए बता रहा हूं आज आप लोगों को, शहर के आवाम को स्क्रीन के जरिए इसलिए मैं बता रहा हूं। मैंने इसलिए पहले शुरुआत ये की है कि शहर कहां जा रहा है, शहर कहां जा रहा है। दादा हुसैन साहब आप पायलट मंत्री हो, मेरा कोई जाति आपसे झगड़ा नहीं है, हमारे विचार अलग है, हमारी सोच अलग है। मैं सेकुलर विचार रखने वाला हूं और आपकी पार्टी तो पूरी दुनिया को मालूम। आप अपने हर तकरीर के अंदर यह बोलते हो शहर की तकदीर बदल जाएगी 2024 में, शहर का विकास हो जाएगा, शहर का नक्शा बदल जाएगा। आपकी जो रिकॉर्डिंग टेप रिकॉर्ड है ना, आप 4 साल से कोई बजा रहे हो, ये यूट्यूब वाले तुम मैं बोलना चाहता हूँ, आप भी यही बता रहे हो। ये जा तकलीफ में खड़े रहने चेहरा मोरा बदलता था, विकास हो चेहरा बुनकरों की मीटिंग के अंदर बुनकर की बात छोड़ दिए, बोले शहर का चेहरा मोरा बदल जाएगा। आप अपने विकास के ऊपर, आपके डेवलपमेंट के ऊपर इतना दम है तो विकास और डेवलप के नाम पर वोट मांगो, मुसलमानों की बलि चलाकर आप वोट मत मांगो। भाई को हिंदू और मुसलमानों को लड़ाते हो, ये शहर की परंपरा है। आज की भी 50 साल की ये देवी का रथ आते हैं हमारी खानदान से, हमारे खानदान से हिंदू भाई आते हैं और इस शहर से जाते हैं। यहाँ का मुसलमान उनको शरबत पिलाता है, यहाँ का मुसलमान उनको पानी पिलाता है, उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करता है। एक पत्थर भी नहीं गए, एक पत्थर आज इतना इकराम करते हम, भाईचारा इतना है। क्या जरूरत पड़ गई इन 2 सालों के अंदर आपको, क्या आपके पार्टी के लोग रात आता है तो 40 फाटे के ऊपर आप जमा होते हो, पूरे तालुके के अंदर आप सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट वायरल करते हो कि वहां जमा हो जाओ। हमारा पवित्र महीना चलता रमजान महीना और हजारों की तादाद के अंदर आप इस शहर से गुजरते हो, हमको गुजरने में कोई दुश्वारी नहीं है, हमको कोई एतराज नहीं है। हम कल भी इस्तेमाल करते थे, आज भी इस्तेमाल करेंगे, कल भी पानी पिलाते थे, आज भी शरबत पिलाएंगे। एतराज ये है कि आज की पार्टी के लोग शहर का लेनवर खराब करते भी जाओगे, गलत सलत नारे लगाते जाओगे, सकावत के सामने दुकानों का तोड़फोड़ करते जाएंगे। शहर का माहौल क्यों खराब कर रहे हैं, क्यों आप अपने डेवलप के ऊपर विश्वास नहीं है। आप बहुत विकास की बात कर रहे हो, क्या उसके ऊपर भरोसा नहीं, चेक करो क्या हिंदू भाई को भड़का कर वोट देना चाहते हो, क्या तफरका पैदा करना चाहते हो, क्या वजह है ये शहर के आवाम सोचे। शहर के एमएलए का तो आपने देखा है वीडियो, 2019 में जैसे इस्लाम की तलवार यही निकाल दी गई थी,
अगर मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार था तो मेरे पे ये इल्जाम था कि मेरी पार्टी के लीडर मंदिर का घंटा बजाते हैं, इस तरीके की तकरीर की गई, मुसलमानों को वरगलाया गया, कौम और मिल्लत के नाम पर ओट मांगी गई। उसके बाद तुमने इस शहर के मुसलमानों का सौदा किया। ये 4 सालों के अंदर हमारे शहर के दीनी तंजीमों को सोचना पड़ेगा। शेख आसिम एक अकेला ये शहर में नहीं रहता। आप मेरा भरोसा नहीं करोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके ही लोगों का विश्वास, ये शहर के 5-7 लाख मुसलमानों का विश्वास, आपको इनको जवाब देना पड़ेगा। मेरी अपील है दीनी तंजीमों से, कौम मिल्लत के नाम पे रोड मांगी गई, एमएलए बन गए, असदुद्दीन अवैसी साहब 4.5 साल गुजरते आए, आप यहाँ के मुसलमानों के आंसू पोंछने नहीं आए। आपके एमएलए ने क्या किया, मुझे धुलिया के एमएलए के बारे में कुछ बोलना नहीं है। मैं मालेगांव में रहता हूँ, मैं मेरे शहर का सोचूंगा। क्या किया बताया आपको, वो हिमांत पाटिल शिवसेना का एमएलए जो आज के मुख्यमंत्री के पार्टी का एमपी है, इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के इमाम के, वहां के मुसलमानों ने अपने जेब का पैसा लगाकर हमारी मां बहनों ने दुआएं की, रोजा रखा, इम्तियाज जलील साहब को भी उन्होंने एमपी बनाया। एमपी दुश्मनी रही वहां, क्यों इनके पास इतनी भीख लग गई कि इनके पास गाड़ी नहीं है। शहर में तो चर्च पर स्टिकर लगा के पचपच गाड़ी नहीं थी, औरंगाबाद के अंदर तो स्टिकर लगा के गाड़ियों में घूमते आप 50-50 लाख की गाड़ियों में। क्या वजह है कि मुंबई के अंदर आप टैक्सी से सफर किया। आपके सामने वीडियो है, इस चैनल की वीडियो है, होटल के अंदर बैठकर मीटिंग की गई, डीलिंग की गई। उसके बाद एकनाथ शिंदे साहब वजीर आला बने, दूसरे दिन होटल के अंदर जाकर ये मुलाकात करते हैं कि गलत फहमी ना हो जाए। उनको तो कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी, शिंदे साहब क्योंकि उनकी पार्टी का नहीं था। तुम तो इमाम के हो, तुम तो अपोजिशन के हो, तुमको तो भी पाया था। उसके बाद आप यहां हाजिर रहे, एमएलसी और राज्यसभा के अंदर तुमने डीलिंग की, तुम मुंबई के अंदर बैठकर होटलों के अंदर बैठकर डीलिंग करते हो, टैक्सी में घूमते हो, ये शहर की और इस मुसलमानों की वोट का सौदा करते हो। कब ये शहर जवाब पूछेगा, कब उनका सवाल किया जाएगा। अगर दादा मुझे साहब इतने जिम्मेदार नहीं है, ये शहर के एमएलए उतने जिम्मेदार है। अगर मॉब लिंचिंग हो रही, कुरैश बिरादरी के जिम्मेदार यहां बैठे, यहां पर कुरैश बिरादरी के जिम्मेदार यहां पर बैठे हुए हैं। अगर कुरैश भाइयों के, कुरैश बिरादरी के नौजवानों को जानवर लाने के ऊपर अगर हमारे शहर के मंत्री महोदय, अगर आप गाड़ी रोककर अगर उनको आप मारते हो, आप गाड़ी जमा कराते हो, तो फिरका परस्त तंजीमों को ले लोग जो है पूरे तालुके के अंदर उस वक्त से मॉक लिंचिंग की वारदात ये शहर में पड़ी, लेकिन एमएलए का मुंह असेंबली में भी नहीं खुला और यहां पर भी नहीं खुला। क्या वजह है, इसका जवाब कौन देगा। रमजान महीना, कसम खुदा रसूल की, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोलता हूं कि मैं पूरी तरह भी बोलता, यीशु आगादी मस्जिद के अंदर 2 बरस से ऐसा हो रहा है कि मेरी तरावी की नमाज छूटती है जब वो लग जाता है। शेख रशीद साहब अपनी रिक्शा के अंदर जब वो रात आया, तो शेख रशीद साहब मगरिब के बाद रोजा उन्होंने ऑफिस में खोल कर गए और रात के थोड़ी दूर के ऊपर चलते रहे कि कोई हादसा ना हो जाए, और मैं यहां पर अपनी टू व्हीलर के ऊपर घूमता रहा जब तक वो क्रॉस नहीं हो गया बस स्टैंड।
शहर को संभालने की कोशिश की, लेकिन इतना बड़ी कुछ गुजर गया, इतनी गुलामी कि तुम एक आवाज नहीं उठा सकते। असेंबली के अंदर तुमने एक आवाज उठाई क्या कि मेरे शहर के अंदर ऐसा हो रहा है? 5 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर आपने कोई आवाज नहीं उठाई, इसकी गुलामी कर रहे हो। इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। ये शहर कहां जा रहा है? मुझे मालूम है मैं जो बोल रहा हूं इस मंच से, इन मीडिया के सामने, मुझे मालूम है कि मेरे साथ भी झूठे केस बनाए जा सकते हैं। मुझे इस बात का एहसास है। झूठे केस मुझ पर भी बनाए जा सकते हैं, मेरे पे भी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन अगर मैं आज बोल रहा हूं तो इस जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि सेंट्रल जेल की पार्टी मैंने देख के आया हूं कि एक वक्त पड़ेगा कि मुझे अंदर रहना पड़ेगा, उसके लिए भी मैं तैयार हूं, इसलिए आज यहां तक नहीं कर रहा, उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन झुकूंगा नहीं। यह तो तय आवाज उठाऊंगा, आंख में आंख डालकर बात करूंगा, यह शहर को बचाने की कोशिश करूंगा, यहां के हिंदू और मुसलमानों की एकता बरकरार रखने के लिए लड़ते रहूंगा, लेकिन सरकार और सरकार के नुमाइंदों के सामने झुकना मुझे नहीं पसंद है और मैं नहीं झुकूंगा। ये बात का मुझे शेख रशीद साहब ने सिखा कर गए, डरना नहीं, झुकना नहीं। क्या होगा, ये फांसी भी तो नहीं लग जाएंगे, जेल नहीं डालेंगे ना, न्यायालय खुली है, कोर्ट खुली है, इंसाफ मांगेंगे। आज के ऐसे जज कोर्ट के अंदर मौजूद है जो इंसाफ पसंद है और इंसाफ दे रहे हैं, लेकिन इसका जवाब इस शहर के एमएलए को देना पड़ेगा। अरे कितनी शर्म की बात है, 4-4.5 फीट का आदमी नितेश राणे मालेगांव के अंदर आते है, किले के ऊपर चल जाते है और ये कमिश्नर उसका इस्तेमाल करता है और वो वहां से नजारा देखता है, नजारा ये शाह बिरादरी के लोग बैठे हैं, सचिन शाह वगैरह, शाह बिरादरी की एक बहुत बड़ी आबादी है वहां पर, हमारे दलित भाइयों के भी बहुत बड़ी आबादी है उस बस्ती में, हमारे बुनकर भाइयों के भी बहुत मकान आते हैं वहां, वो आकर वहां पर बोलता है कि 8 दिन के अंदर ये बस्ती खाली हो जाना चाहिए, तो बुलडोजर चला दूंगा। इतनी मर्दानगी थी ना असेंबली के अंदर आवाज उठा के बोलना, शर्म आना चाहिए कि तुम्हारे ऐसे बड़ी हल्के के अंदर की जाता, तुम्हारे असेंबली हल्के के अंदर आकर तुमको चैलेंज करके गया, सिर्फ तुमको चैलेंज करके नहीं गया, यहां के मुसलमानों को चैलेंज करके गया, लेकिन आपने एक अल्फाज नहीं बोला। इसका जवाब भी तुमको शहर को देना पड़ेगा। अरे असेंबली के अंदर बोल दिया ये पाकिस्तान है मालेगांव को, नितेश राणा ने खुला बोल दिया मीडिया के सामने, इससे पहले भी बोला कि जमीन का जिहाद चलता, बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोग रहते उनको पलट देके जा रहे, आपने कुछ नहीं कहा। अरे क्या मुश्किल बना रहे हो शहर को, आपकी जिम्मेदारी है, ये शहर की आवाम ने आपको वोट दिया, आपको असेंबली के अंदर भेजा, इसके लिए नहीं क्या भुटलों के अंदर बैठ के शिवसेना के साथ सौदेबाजी करो, इसके लिए क्या आवाज उठाने के लिए भेजा गया था? खामोश आप, अरे वो चैलेंज करके जाता है इंसान और आप खामोश है, ये शहर का नुमाइंदा खामोश है। कौन देगा इसका जवाब, कब सवाल पूछेगा ये शहर आपको?
सवाल पूछना पड़ेगा। इंशाल्लाह पूछेंगे आप। ये साल इलेक्शन साल है, पार्लियामेंट कॉर्पोरेशन असेंबली 2024 में 3 इलेक्शन आने वाले हैं और ये शहर का इम्तिहान है और साथ साथ में शहर की दीनी तंजीमों का भी इम्तिहान है। ये शहर की आवाम के सामने मेरे सामने लंग मैं नाराज हूं। आप मुझे जवाब दे नहीं हो सकते लेकिन ये शहर को आप जवाब दे दें। आपको जवाब देना पड़ेगा। शेख आसिफ कब्रिस्तान का मामला उठाता है तो बोलते सियासत है। अरे अल्लाह नंदा कोई आगे नहीं है। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं, अच्छे लोग भी है दीनी तंजीमों में, अच्छे लोग भी है लेकिन उनको कुछ लोग मिसगाइड करके रास्ता बदल देते हैं, डरा दिया जाता है उन लोगों को। अगर मेरी बात खराब लग रही है तो मैं माफी मांगता हूं, नहीं तो कल तनकीद शुरू। हालांकि शेख रशीद साहब ने बोले भाई तनकीद आएंगे तनकीद करेंगे कर रहे थे, मैं भी एकदम मजबूत हो गया। आज मैं कितनी तनकीद आती तब तैयार है मैं लेकिन इम्तिहान है और अब तुमको इम्तिहान लेना है। क्या होगा आपके अगला फैसला शहर के आवाम के हाथ में, या हरा दोगे हमारी पार्टी को या जिता दोगे, फैसला आपको है। और नहीं तो ऐसी बुजदिल बन के रहो, सर झुका के रहो, जुल्म के खिलाफ मत बोलो, जुल्म होता हुआ मत देखो। शहर को लूटा जा रहा है खामोश रहो, कारपोरेशन को लूटा जा रहा है। अरे तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा टैक्स का पैसा, तुम कारपोरेशन में घर पट्टी नल पट्टी प्रॉपर्टी टैक्स भरते हो। वो पैसा जो जमा हो रहा मालूम है तुमको ये 2 सालों के अंदर क्या हुआ? बाकी मुकरीन ने बताया आपको। अरे शेख रशीद साहब का और अगर शिवसेना से अगर कोई झगड़ा शुरू हुआ किस वजह से हुआ पता है? 100 करोड़ रुपये मंजूर हुआ हुकूमत से मालूम है 84 करोड़ रुपया मंत्री महोदय ने लेके चले, इससे में कितना आया? सिर्फ 16 करोड़ नहीं मेरे ख्याल 14 ही आया है उसमें हिसाब में। कॉर्पोरेशन का हिस्सा कितना था मालूम है? 30 करोड़ 100 करोड़ में हमको भी आ जाता। अरे अगर 30 करोड़ भी मंजूर हो जाते हैं तो हमको समाधान रहता, इत्मीनान रहता। नहीं 30 तो मिला, लूटमार हो गई, एमएलए खामोश। आज तो कोई मेयर नहीं है, कोई कॉर्पोरेटर नहीं, कोई स्टैंडिंग चेयरमैन नहीं, कोई डिप्टी मेयर नहीं, सिर्फ एमएलए जिसकी पकड़ कॉर्पोरेशन में होना चाहिए, कमिश्नर पे दबाव होना चाहिए। अभी 50 करोड़ मंजूर है, मुझको भी बोला गया था कि 1 करोड़ आपको देते, आप नाम बता दो। मुझको बोला गया था मतलब कितने देर बोले 1 करोड़ मंजूर नहीं होना, मतलब प्रपोजल कितने का बोले 50 का, मतलब 15 का हमारा ही जा रहा है, 15 लेंगे तो बात करो। अरे इन्होंने ले लिए 7 करोड़ में कंप्रोमाइज कर दिए, 7 करोड़ में। कितना गया? 43 करोड़ रुपये चले। अपना कितना गया? 15 करोड़ रुपया। तो चोर कमिश्नर की ये सिफारिश करते थे, उसके साथ मीटिंग करते थे, मैं लड़ता रहा, मेरी पार्टी के लोग लड़ते रहे और आखिरी में जीत अल्लाह ने किसको दी? कमिश्नर को गोली बिस्तर बांधकर निकलना पड़ा। ये अल्लाह का करम है, ये शेख आसिफ की ताकत का अंदाजा है लगा। लेकिन ये सब हो रहा है, ये नए कमिश्नर आए, पहले आकर उन्होंने नमस्कार का घर पे ऑफिस पे आशीर्वाद रह गया, भला आशीर्वाद रहना रहे, आशीर्वाद रहना रहे, परंतु भेदभाव हो तो आशीर्वाद रहना नहीं।
मतदार संघ मध्ये भेदभाव झाला नाही पाहिजे. अगर तुम्ही केलं तर तुमच्यावर मान. आम्हाला सर्व माहिती आहे धुळ्या धुळ्यामध्ये काय काय झाला. ऐसा थोडा मराठी कच्ची पक्की समाज तो ये दबदबा और ये दहशत ये दबाव होना चाहिए. इनके जैसा नहीं. ये कमिश्नर इनके आकर ऑफिस के ऊपर बैठ गया. साहब आपका हिस्सा बहुत जाएगा. साहब ने कहा था कि कमिश्नर बनाओ शहर बचाओ डब्बे में. क्या कहा पे तहरीक सिर्फ कोई तहरीक नहीं. ये कॉर्पोरेशन को 700 करोड़ रुपए का कर्ज देने के 2 साल के अंदर बनी है कॉर्पोरेशन 700 करोड़ रुपया. मैं दूसरे चिल्लर लीडरों की बात नहीं कर रहा हूं. जाने तो उनको तो मैं गिनती में भी नहीं देता. अल्लाह का काम. तुम्हारी वोट का सौदा करने वाले बहुत है छोटे छोटे. वो तो अपने गिनती में भी नहीं है. अपन लेवल के लोगों से लड़ते सब लोगों से. सब लोगों से अपना घर भर रहे हैं. गुरुवार वार्ड वाले जरा ध्यान दो. घर बहुत भरा जा रहा है. खाली पीने को ही करना. दोस्तों ये तमाम ही चीजें ये कॉर्पोरेशन से तो लूटमार की जा रही है. मेरा सवाल है शहर के आवाम से. आपको बदला लेना है. आपको हिसाब लेना है. मैंने कहा है कि जाति दुश्मनी ना दादा उसे साथ से ना मुफ्ती इस्माइल साहब से. सियासी बात कर रहा हूं. वोट लिए हिसाब दो. तुम्हारे विकास और डेवलप के ऊपर तुमको भरोसा नहीं. लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा. दोस्तों और साथियों अभी मैं बहुत बोलने वाला आराम से बैठ रहा. किसी ने धुनकर परिषद धुनकर पावर लूम परिषद और किसी ने ऐलान जंग के पोस्टर लगे शहर में. बुनकर तंजीमे अगर सुन रही मेरी बहन एक वीडियो बाकी है. अभी बहुत परिषद के बोर्ड लगे. परिषद की हो ऐलान जंग नहीं हुआ. असल में ये लड़ाई बुनकरों की बुनकरों के लिए नहीं थी. ये असल में ये साइकिल की लड़ाई थी. साइकिल समाजवादी की जो साइकिल है ना एक सदन को दूसरे लात मारा धर से गिर गया. उसका बदला लेने के लिए पूरे शहर के बुनकरों को जमा किया था. लोटस हाल में पूरे शहर के बुनकरों को कि तुम्हारे साथ सरकार जुर्मा कर रही है कमेटी करी है करोड़ों का फायदा होगा जमा कर लिए गए. लेकिन बदला इन लोगों से लेना क्योंकि इन्होंने लात मार के गिरा दी सदन से. और तुम पावर कंपनी से लेने की बात करते हो. एमएलए और जो तंजीमों के लेवल में सबको खराब नहीं बोल रहा हूं. मैं तो फिर कल से तनकीद शुरू कर रहा भारत तैयारी. मुझे बताओ ये शहर की आवाम ये शहर के बुनकर भाई मैं आप लोगों से सवाल है. तुम्हारे कारखानों में लेट होगी. तुम्हारा मीटर जमा होगा. तुम्हारा कनेक्शन काटा जाता. बुनकर तंजीमों के कितने जिम्मेदारों का कनेक्शन कटा रेट रही मुझे पता है. जितनी बुनकर तंजीमें हैं जितने जिम्मेदार है एक के भी वहां बिजली पावर की कंपनी के लोग नहीं जाते. कनेक्शन नहीं काटते. उनका मीटर नहीं जमा करते. रेट नहीं करते. क्योंकि तुम लोगों का इस्तेमाल ये बुनकर तंजीम के कुछ लोग करते हैं. या मेरा सवाल है आप लोगों से अगर आपकी मीटर कटता है बुनकर भाई तो कितनी तंजीम के लोग तुम्हारे साथ पावर हाउस गए ये मसला हल कर दो. कितने लोग गए. कोई नहीं गया. लेकिन आज मैं आपसे वादा कर रहा हूं अगर आपको मैं पसंद नहीं तो चलेगा. इलेक्शन आएंगे आपको जा रहने वाला हो. लेकिन मेरी ऑफिस शेख रशीद साहब जब बैठा करते थे 1000 करोड़ पुलिस स्टेशन के पीछे अगर आपका मसला होगा तो शेख आसिम आपके लिए तैयार है. आज बैठा कंपनी को तुम डरा रहे थे. ये खाली राजी बैठा शेख रशीद की औलाद है. 2 दिन पहले कान के नीचे मारा मालदे के अंदर कंपनी में एक
पावर वाली पुलिस स्टेशन के अंदर उसके ऊपर राइट का गुना दाखिल हो गया, मार ठोक का गुना दाखिल हो गया। मैंने पुलिस को फोन किया, पीआई साहब मतलब मेरा जलसा है, गुना दाखिल हुआ ना, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा क्या, मत करो, ये हफ्ते के अंदर खाली दादी और उसके साथी आके अटैक हो जाएंगे, कोर्ट में भेज देना, जमानत करा लेंगे। इसको बोलते जेल भी जाना पड़े, मारना पड़े, मार भी खाना पड़े, उसके लिए तैयार रहना पड़ता होगा। मैक्सी उठा के भागने से जुर्माइंदर नहीं होंगे, मैक्सी उठा के सर्वे नंबर 10 के अंदर भागने से जुर्माइंदगी नहीं होती है। मर्दा मर्द वाली बात करना पड़ता है, सियासत में अस्तित्व चलाना पड़ता है। तो ये सब कुछ आइटम, ये सब क्वालिटी ये मंच के ऊपर मौजूद है। अब शहर को क्या फैसला करना है कर लो, हम लोग चलेंगे तो बोलो हम तैयार है, नहीं चलेंगे करेंगे। शहर तैयार हो जाए, ये कंपनी क्या ऐसी 10 कंपनी को भी हम लोग जूते की नोक पे रखते हैं और उसको मुकाबला करने के लिए तैयार। लेकिन हाँ दूसरी भी वही बात है, पावर लूम तंजी में अगर आएंगे तो अगर मैं जेल गया तो तुमको भी चलना पड़ेगा, मैं करूंगा सहानुभूति तुम्हारा, ऐसा नहीं, लड़ाई सब साथ में, सब जेल सब जेल जाएंगे। ये तमाम ही चीजें ये शहर के लिए जरूरी है। मैं न्यायालय साहब को भी उनके वक्त हमारे मुखालिफ रहे, शेख रशीद साहब के मुखालिफ रहे, लेकिन उन्होंने दबदबा बनाया, सच्चाई बोल रहा हूं, काबे की तरह बलू है मेरा, शेख रशीद साहब का भी दबदबा था, लेकिन तुम्हारा दबदबा खत्म हो चुका, तुम्हारा तो दबदबा ही नहीं था। तुम अगर पुलिस से डर के भागोगे, कंपनी से डर के भागोगे, मंत्री के दबाव में रहोगे, ये शहर के अंदर चलने उलने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, सर झुकने नहीं दूंगा, कोर्ट का सौदा नहीं करूंगा, सर तुम्हारा भी ऊंचा रहे, हमारा भी रहे, और ये शहर में सियासत की जाएगी, गरीबों को लेकर चला जाएगा, आपके लिए इंसाफ के लिए लड़ा जाएगा, आपके मसाइल हल किए जाएंगे, आपका सुख और दुख में शामिल होंगे, शेख रशीद साहब जैसे आपको लेकर चलते थे वैसा लेकर चलेंगे। आपको कोई काम है तो नहीं ऑफिस, आप खुलिए शेख रशीद साहब जहाँ बैठते हैं वहां पर खुली। दोस्तों और साथियों, कई लोग आए, अब आखिरी आइटम, कई लोग ढूंढ रहे होंगे, कई हमारे यूट्यूब वालों को विचारों में बोले ना कोई वीडियो तो शूटिंग करके लाना, बोले बोले कई आए, मैंने बोला था सेक्स से रहते, लेकिन मेरे समाज में जिम्मेदार ना मैं छोटा हूं, ये सब बुजुर्ग बैठे मुझसे बड़े बैठे, इन्होंने बोले कि नहीं जलसे के अंदर किसी के आईबी को उजागर नहीं किया जा सकता, मैंने इनकी बात को मान लिया। क्या बोले, किसी के आईबी को ढाकना चाहिए, उजागर नहीं करना चाहिए, इनकी बात मैंने मान लिया, लेकिन 70% माना। क्यों 70% है तो कल बोलेंगे मैं शेख आजी झूठा था। मैं इसमें मैं बोलता हूं, देखो शेख रशीद साहब बोला करते थे जो है खुला उन्होंने बोलते थे, खुली किताब, वैसे मैं बोल रहा हूं मैं भी खुली किताब हूं, लेकिन पार्शियलिटी नहीं करके सियासत की जाती, अपने आप को बहुत हाई लेवल पर राजकीय बताया जाता, बहुत साफ सुथरा बताया जाता, बहुत एजुकेटेड बताया जाता, बहुत मजहबी बताया जाता, इसके लिए कुछ लोगों की कुंडली अपने पास रखना पड़ेगा। आज सिर्फ मैं एक हल्का सा टेलर बता रहा हूं, वीडियो में है आए नहीं मेरी, एकदम एक आधे मिनट की है, किसी का स्कैम है बॉन्ड धोखेबाजी का, किसी की व्हाट्सएप चैटिंग है,
कोई बेचारा रिक्शा वाला किसी को लेकर जा रहा है, ऐसे कुछ चीजें है। किसी ने धोखा दिया शादी के बहाने से, और मैंने बोला नहीं कि 70% बात सुनो बेटी रोक लिया, लेकिन अगर वक्त पड़ा तो बता दूंगा, बता रहे बेटे ये रिक्शा है, इसने धुंधला करना बोला कि कानून इजाजत नहीं देता। एक लेडीज बैठी है, रिक्शा ड्राइवर है और भी अंदर है। आगे बढ़ो, ये व्हाट्सएप चैटिंग है, व्हाट्सएप चैटिंग है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, सब कुछ है। आगे ये बॉन्ड है धोखेबाज रंग, ये ऐसे चीज है। और मेरे पास कई लोग चल कर आए जिनके जिनके साथ जुल्म हुआ, चल कर आए, मटेरियल दिए, वीडियो दिए, चैटिंग दिए, स्टाम्प दिए। ये शहर के लीडरान की बात कर रहा हूं भाई, कोई कुत्ता गोली खाने वाले की बात नहीं कर रहा। ये शहर है हमारा, पावर रख लो, कब आवाज उठेगी, कब आवाज उठाओगे? ये आप लोगों से मेरा सवाल है। और मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, मैंने पहले कहा कि मेरा परिवार, शेख रशीद साहब नहीं है दुनिया से चले गए, शेख खलील साहब दुनिया से चले गए, और ये सोच रहे होंगे ये परिवार जब जाएगा, डरा दिया जाएगा, तो तुम्हारी सोच को निकाल लेना। न डरने वाले हैं, न छपने वाले हैं, और दादागिरी से और सर उठा के हम लोग राजकारण करेंगे शहर के अंदर। और किसी आपको भी किसी से डरना नहीं है, और वक्त आएगा तो जल से लेते रहे।